हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम थोड़ा बहुत दिखाने वाले हैं गाड़ी में क्या क्या है। आप पहले तो देख ही सकते हो प्रकुल अंदर बैठा हुआ है, तो पहले हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश में टाइगर नोज ग्रिल दी हुई है, और नीचे हमारा रेडिएटर है, एंड यहाँ पर ये एसेसरी है, एक्चुअली क्रोम लगवाई है ये। एंड ये भी, ये तो आपका हमारा एक्चुअली प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट है, ग्लेशियर वाइट पोल में मैनुअल है, पेट्रोल 1.4 टर्बो। तो आगे से तो देखने में लाइक काफ़ी अच्छी लगती है ये, एंड इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, लेंथ भी सही है, एंड द हाइट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है ना। ये वर्किंग DRLs है एक्चुअली, ये जब गाड़ी चलती है तब ये जलते हैं एक्चुअली खुद ही। रुक जाओ, और ये देख लो यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ सिल्वर फिनिश में दी हुई है ये यहाँ पे, एंड देन वी हैव फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हेयर, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये यहाँ पे, यहाँ से फ्रंट से देखो, जितना मेरे को पता है मैं उतना बता रही हूँ आपको, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब ये साइड प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी है। तो प्रेस्टीज प्लस से आपको अलॉय व्हील्स आने शुरू होते हैं, तो 16 इंचेस का अलॉय व्हील्स है, टॉप मॉडल में भी यही वाला आते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ये ग्लाइडिंग दी हुई है ब्लैक फिनिश, ब्लैक में एक्चुअली, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे इसका बम्पर आपको पता ही चल गया होगा है, और देन वी हैव इंडिकेटर्स ओवर हेयर, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकली वो हो सकते हैं, फोल्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ इसको, या एंड देन वी हैव, इसमें क्रोम हैंडल्स नहीं है, ये हम इसको लगवाने वाले थे बट दे हैवंट, उनके पास थे नहीं अभी अवेलेबल। हाँ, ये विंडो वाइज़र, डोर वाइज़र, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये एसेसरी में लगवाई है। और यहाँ पे देख सकते हो अच्छी लग रही है ना, डोर वाइज़र, विंडो वाइज़र, डोर वाइज़र, आई हैव नो आइडिया ये क्या है, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ पे फिर हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे फिर से क्रोम फिनिश में, ये भी एसेसरी का ही पार्ट है, यहाँ पे कारेंस लिखा हुआ है, किया की बैजिंग है, एंड दीज आर वर्किंग, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाली चीज़ वर्किंग है, बट जो यहाँ पे है ये वर्किंग नहीं है। एंड देन वी हैव, ये तो ठीक है ना, ये वाले वर्किंग है, ये जो साइड साइड के पार्ट्स है ये वर्किंग है, एंड देयर टू, तो यहाँ पे डिफॉगर एंड वाइपर पीछे, एंड अभी वो जो आने वाला आई थिंक, तो ऊपर हमारे को स्पॉइलर दिया हुआ है, रूफ रेल्स आपको दिखी गई होंगी, तो हाँ दिखी होंगी आपको रूफ रेल्स, विदाउट सनरूफ है, लग्जरी प्लस में ही आता है सिर्फ सनरूफ वाला ऑप्शन। ये भी हमने एसेसरी में ही लगवाया है, एसेसरी का ही पार्ट है ये भी, एंड देन वी हैव, ये यहाँ भी क्रोम नहीं यूज़ है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश है, टॉप मॉडल में आपको क्रोम मिलेगा। एंड देन वी हैव द सेम ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग तो यहीं पे भी है, एंड या चलो अब हम आपको इंटीरियर दिखाते हैं, मेन तो इंटीरियर है, चलो फिर आपको दिखाते हैं अंदर का। बिल्कुल बाहर आओ, बाहर आओ, मैं बैठती हूँ, चलो बाहर आओ, अब तुम वो वाले उस साइड पे बैठ जाओ। यहाँ पे हमको कार इंस की, ये भी एसेसरी का ही आई थिंक पार्ट है, ये यहाँ पे आएगा, एंड ये यहाँ पे बताएगा आपको, जैसे मैंने बंद करा हो गया, ओके ठीक है ना। ये तो ये इसका एक्चुअली वेलकम वाला है, तो ये काफ़ी सही लगता है मेरे को भी, एंड ये कुछ अंदर से है इंटीरियर इसका, ये एक्चुअली टॉप मॉडल में आपका लग्जरी, लग्जरी प्लस में पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा जो ये वाला है, ये अभी हमने उतारा नहीं है, बाद में उतारेंगे। वैसे बाइक भी अच्छा लगता, तुम्हारे को पसीना हाँ ठीक है। और यहाँ पे हमारे गणेश जी बैठा है, इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा है ना प्रकुल, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश यूज्ड है, एंड देन वी हैव, यहाँ पे भी यही सेम है, ये एक्चुअली वायरलेस चार्जिंग नहीं है,
यहाँ पे ये आपके फ़ोन प्लेस करने के लिए, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है एंड USB पोर्ट्स यहाँ पे दो दिए हुए, पार्किंग सेंसर्स और हिल होल्ड, क्या कहते हैं हिल होल्ड कंट्रोल, कुछ तो ऐसे होता है, आ रहा है कितना बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स कॉइन्स जो भी रखना है रख लो। गाइस यहाँ पे भी स्टार्ट स्टॉप का ये दिया हुआ है, इसमें की वाला नहीं है, ये भी प्रेस्टीज प्लस से ही आना शुरू होता है। एंड देन वी हैव पावर विंडोज और इलेक्ट्रिकली फोल्ड वाला है, ये मैंने आपको पहले से बता ही दिया था वैसे तो। और यहाँ पे आपको चार्जर है, ये एक्चुअली मैनुअल सिक्स है और ऑटोमेटिक हमने वैसे बुक करवाई थी बट बिकॉज ऑफ DCT हमने नहीं करवाई उसमें, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हीटिंग की इश्यूज आती है। यहाँ पे हमको कुछ सिल्वर फिनिश दिया हुआ है जो कि काफी लाइक अच्छा लग रहा है ना प्रकुल। गाइस हाँ, ये फाइव चार्जर्स है, फाइव, हाँ देखो एक यहाँ है, तीन तो आगे हो गए अपने, तीन आगे, हाँ तो यहाँ पे तीन है। ये आपका क्या कहते हैं टच वाला है सिस्टम एंड यहाँ पे भी आपको टच का ही मिलता है। ये स्क्रीन आपकी दी हुई है, ये आई थिंक 8 इंचज़ की है, 8.58 की है, ऐसी है इंचज़ की। टॉप मॉडल में आपको ये 10.5 कुछ की थे, मान के चलो 11 ही थी उसमें, ठीक है ना। हम एक्चुअली टॉप मॉडल भी देख कर आए थे बट एक्चुअली ये भी प्राइस है ना, वैल्यू फॉर मनी है, हाँ अच्छा है वो भी बट ये हमको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। यहाँ पे हमारे को क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं एंड फिर वॉल्यूम के लिए मिल जाएगा, कॉल्स के लिए भी मिल जाएगा आपको एंड वही सब मिल जाएगा। नहीं यूट्यूब इसमें नहीं आता है, वो तो आपने अलग से लगवाना पड़ता है, वो एक्चुअली हमारे वो बाहर से लगता है एक्चुअली। यहाँ पे ये सॉफ्ट टच नहीं है, इट्स प्लास्टिक। यहाँ पे भी स्पेस मिली है वैसे रखने के लिए सामान, यहाँ भी दी हुई है स्पेस में, उसमें काफी है, हाँ स्पेस के लिए तो बहुत है, कुछ भी कह लो। ये टिल्ट के लिए है, आगे करने के लिए नहीं है। ये इसका हॉर्न तो बात को दिखा दूंगी एंड पार्किंग क्या कहते हैं इसको, ये तो मान भी, अरे अरे मैं भूल गई आपको, मेरे को पता है ऐसे। यहाँ पे हमको मैनुअल दी हुई है एंड ठीक है ना, यहाँ पे भी डिसेंट स्पेस है, ठीक ठाक है। यहाँ पर दिए हुए हमको ग्लास होल्डर, ये एक्चुअली कूल वाले हैं तो आपने दिखाई नहीं, क्या ग्लास होल्डर, हाँ ये देखो यहाँ पे आप अपने ग्लासेस रख सकते हैं। यहाँ पे हमको टिकट होल्डर दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे को मिरर दिया हुआ है बट यहाँ पे लाइट नहीं है तो ये लाइट्स के लिए है। एंड देन वी हैव यहाँ पर जो ये सीट कवर्स है, हाँ वहाँ पे भी है, सेम ही है, हाँ। और यहाँ पे हमने वैसे तो करवाना था, नहीं लेदर फैब्रिक दोनों का है वैसे तो हमको ना, जैसे टॉप मॉडल का है ना सीट कवर, ये थोड़ा थोड़ा सा लाइट कलर है उसका, लाइक वाइट बेज सा ही है उसका, वैसे करवाना था बट जब आएंगे तब हम सीधा हाँ। शोरूम से ही लगवाएंगे है ना या। तो यहाँ पे हमारे को नॉर्मल स्पीकर मिलेंगे किया की तरफ से, इन टॉप मॉडल्स हमको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं, आपके भी आने लग गया पसीना, ठीक है। यहाँ पे हमारे को पीछे के लिए देखने के लिए दिया हुआ है और यहाँ से तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पीछे तो यही है, बाकी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वैसे तो, पीछे नहीं पीछे पीछे अभी जाएंगे ना अभी हम। यहाँ पे ये दिखा देती हूँ आपको मैं, यहाँ पे आपको की रखने के लिए दी हुई है एंड वी हैव मोर स्टफ स्पेस एक्चुअली है। और तो वहाँ पे भी कंफर्ट तो काफ़ी है, मैं देखा, मैंने बैठी हूँ ना मैं तो मेरे को पता है। यहाँ पे AC वेंट्स पूरे उसमें नहीं है, यहाँ पर है एंड देन वी हैव यहाँ पर है मिडल में एंड यहाँ पे है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ ये लाइट्स के लिए एक्चुअली, ठीक है ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको पीछे की रो, और ये हाँ रिक्लाइन रिक्लाइन आगे पीछे हो जाती है सीट, तो उसको तो आपको पता ही है हर गाड़ी में होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी सेकंड रो, इसके डोर काफ़ी हैवी है
अरे जल्दी चलो। और इसका आप ये देख लो, डोर है इसका ये, इसको करो बंद। यहाँ पे भी स्टोरेज के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे भी मिलेगी ये। हाँ नीचे तो मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे आपको ये सनशेड होल्डर, सनशेड है ना, और ये ऐसे नीचे भी निकल जाते हैं दोनों साइड पे। देखो तो ये एसी का टेम्परेचर वाला है, ऊपर देखो ऊपर एसी है। हाँ ऊपर पीछे भी सेम है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो सेकंड और थर्ड रो के लिए। यहाँ पर हमको यूएसबी पोर्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे और स्पेस हटना बिल्कुल, यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस, और यहाँ पे, यहाँ पे भी स्पेस है। हाँ। ये भी कूल्ड है ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता है। ये भी आगे पीछे हो जाती है, 3D मैट्स हमने लगवाया एसेसरीज में। ये तो दिखा दो। अच्छा दिखाती हूँ, रुको तो दिखाती हूँ गाइस। इसका ये है हमारे लिए, यहाँ पे कप्स रख लो, ग्लास बॉटल जो भी रखना है आप रख सकते हो। हाँ तो ये भी काफ़ी यू नो सही चीज़ है। कंफर्ट यहाँ का भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और सीट बेल्ट दी हुई है आगे के लिए भी है, सीट बेल्ट देखो होती होती है। और दिखाती हूँ मैं आपको, उस साइड भी सेम ही है ठीक है। मेरे पास तो यू नो सही है ना स्पेस, प्रकुल इसमें स्पेशियस कार है यू नो। अब मैं आपको एक चीज़ वहाँ से दिखाती हूँ, इसके मैनुअली हो जाते हैं फोल्ड, बट उस साइड पे एक बटन है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से, एक काफ़ी अच्छा फीचर है ये बटन, आपको दिख रहा है इसको दबाना है, एंड इट्स ऑल फोल्ड बाय इटसेल्फ ठीक है ना। अंदर चढ़ जाओ, बाहर भी ऐसे ही निकल जाओ, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मैं यहाँ कर दिखा देती हूँ, ये बंद हो जाता है वैसे, मैं अभी यहाँ कर दिखा, यहाँ पे दिखा देती हूँ क्योंकि बाहर भी तो निकलेंगे ना। तो चलो अच्छा कर दो, कर दो तो मुझे आने दो, आ जाओ। हाँ तो आगे वाला यहाँ से दिखेगा आपको पूरा इंटीरियर ऐसे, यहाँ से भी शीशे से दिख सकता है। यहाँ पे भी यू नो पापा भी आ जाते हैं है ना, तो हेडरूम भी सही है इतना, तो इससे ज़्यादा ही बचता है एक्चुअली। यहाँ पे मेरे पास लेग रूम भी काफ़ी इनफ है, यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल गया, एंड हाँ टाइप सी, एक्चुअली टाइप सी है, सॉरी सॉरी आगे भी टाइप सी है ठीक है। यहाँ पे हाँ नहीं वो आगे से मैंने दिखा दिया था। यहाँ पे हमारे को ग्लास होल्डर मिल जाएगा, एंड फोन, फ़ोन के लिए मिल जाएगी स्पेस, एंड पीछे को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं इसको, हमने अभी कर दिखा रहा है। सो या यहाँ देखो, यहाँ पे आपको इसका पूरी सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस है, तो ये देख लो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, इसका अच्छा खासा बूट स्पेस है। इसका उससे भी बड़ा है, नहीं नहीं इतना नहीं, इसको आप फ्लैट फोल्ड भी कर सकते हो चाहे तो है ना प्रकुल, और इसके नीचे भी बूट स्पेस है। इसके नीचे भी है वहाँ पे यू नो टूल किट, यहाँ पे जो एसी वेंट्स है यहाँ वहीं से कंट्रोल लेंगे सेकंड और थर्ड रो के लिए। हाँ लाइट यहाँ भी है, वहाँ भी है और वहाँ भी है, और वो तो नहीं दिखाया। हाँ ये तो आपको यहाँ पे बैग वैग आई थिंक टांगते ना इस पे, नहीं तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। यहाँ पे हमारे को एक छोटा सा एरिया दिख जाएगा देखने के लिए बाहर है ना, और तो यू नो बाकी तो रहा हेडरूम भी काफी ज्यादा ही बचा। यहाँ देखो जितना मेरे को मैं दिखा नहीं सकती अभी है ना वैसे भी, और अब यहीं से खोल के चाहे तो अभी मैं इसको एक बार मैनुअली भी दिखाती हूँ यहाँ से, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। हाँ। वो दिखाती हूँ आपको एक बार यहाँ से। हाँ यहाँ पे भी स्पीकर है एक्चुअली, इसमें चार छः स्पीकर है, इसमें 6 एयरबैग है बेस मॉडल से। हाँ तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसा रहेगा, ये आपको दिख रहा होगा। आपने एक चीज नहीं दिखाई, स्प्रे वाला टंबल भी हो जाएगी है ठीक है, आपको पता ही हम लोग करेंगे। हाँ। तो ये कुछ ऐसे ठीक है ना, अब यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं भाई, बहुत स्पेस है, स्पेशियस 7 सीटर है ये। हाँ आज की वीडियो यही थी, 1.4 टर्बो मैनुअल प्रेस्टीज प्लस ग्लेशियर व्हाइट पर्ल व्हाइट ठीक है। तो इसका छोटा सा रिव्यू दे दिया मैंने आपको ठीक है, 10-12-13 मिनट की आई थिंक वीडियो बन गई होगी कि मैंने पार्ट्स में करी, अभी मेरे को ध्यान नहीं लगता ठीक है। और हाँ इसका जो अर्टिगा और एक्सेल 6 है उससे ज़्यादा व्हील बेस है, बोजो के काफ़ी सही चीज़ है। बोजो आई थिंक अंदर गए पापा के साथ, तो इसकी कल ही हुई थी पूजा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। और सब्सक्राइब कर
हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। और आपको तो बाकी दिख ही गया है। हाँ एक चीज़ बताना भूल गई इन एक्चुअली पीछे से। हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे भी रिवर्स के लिए भी है बैक पार्किंग सेंसर्स को, है ना। यहाँ कारण है और ये अच्छा ये बुक गार्निश और ये बहुत अच्छा ये बड़ा सही चीज़ है। और यहाँ पे हाँ वो अलग बात है थोड़ा सा यहाँ पापा ने ये लगवाया ना। हाँ आई थिंक डोर वाइजर होता है। ठीक है तो मेरे को तो लाइक यू नो काफ़ी अच्छी लगी कार एंड वीवर, है ना। हमने पहली बार कोई ऐसी कार खरीदी एंड है पागल हो क्या। वो तो आप लोगों को पता ही होगा उसका थोड़ा बहुत। हाँ और मैं आपको बता दूँ मेरे को देखो इतना ज़्यादा फीचर्स हमने भी इसके देखे नहीं है एक्चुअली। कुछ रीजन्स हमने टॉप मॉडल पे क्यों नहीं गए। एक वेंटिलेटेड सीट्स एंड वी हैव कनेक्टेड फीचर तो हमको चाहिए ही नहीं था एंड एयर प्योरीफायर इसलिए हमने नहीं लिया। ये भाई आगे का जो है ना वो बेस्ट चीज़ है। हाँ इसमें एक चीज़ और डाल सकते थे आई थिंक सनरूफ डाल देते या इंडियन लाइटिंग और डाल देते काफ़ी अच्छा लगता है। इंडिया में तो एक अरे बहुत अच्छी होती है सनरूफ बट आई थिंक ये दे सकते थे। हाँ और ये वैसे आप पूछोगे तो कितने की पड़ी हमको लाइक यू नो 3 लाख के बीच में पड़ गई थी लगभग। ठीक है ना तो नहीं नहीं वो आई थिंक हाँ 20 की है 19-20 के बीच में अराउंड। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा रिव्यू। देखो हम तो पहली बार दे रहे थे छोटा सा रिव्यू आपको दे दिया बाकी तो आप यू नो फीचर्स हमको इतना पता नहीं है वो बाद में आपको बता देंगे हम, है ना। तो या सो आई होप आपको हाँ फॉग लैम्प्स नहीं है यहाँ पे वैसे स्पेस छोड़ी हुई नहीं भरा हुआ है तो अगर मान लो आते हैं फॉग लैम्प्स हम एक्चुअली सारी चीज़ें लगवाएंगे तो कंपनी की तरफ से कोई मॉडिफिकेशन बाहर से हम नहीं करवाने वाले हैं वैसे, है ना। तो या कंपनी से आएंगे तभी लगवाएंगे हम और चीज़ें नहीं तो हाँ, कोई नहीं। बहुत गर्मी हो रही है भाई बहुत गर्मी हो रही है। आई होप आपको आज का वीडियो तो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड मैं सोच नहीं सकती आप लोगों ने उस वीडियो को 100 से भी ज़्यादा व्यूज़ लिया है आप हाँ, और 200 200 करवा दो हाँ? करवा दो मज़ा आ जाएगा। 300 400 500 तो आई होप आपको अच्छा तो लगा ही होगा। सो या बाय।